الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصل بالناس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جسكو صدیق ذات خدا نے کہا जिसको सिद्दीक जाते खुदा ने कहा और सिद्दीक ही मुस्तफा ने कहा इसको सिद्दीक ही मुर्तजा ने कहा यूं ही सिद्दीक सब औलिया ने कहा मैं भी कहता हूँ सिद्दीक सिद्दीक है और जो न माने वो जिंदीक जिंदीक है वाजिबुल एहतराम काबिले सद तकरीम असातजा और मेहमानाने गिरामी और अजीज तलबा तलबात मुझसे कबल मुख्तलिफ तलबा तलबात ने नहायत खूबसूरत अंदाज में अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है। आज के इस रौनक प्रोग्राम में मुझे जो मौजू मिला है वो है शान सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो मैंने इसी मुनासिबत से आयत भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान वाली पढ़ी है। अगर आप बेदार रहे और तवज्जो मेरी तरफ रखें तो इंशाअल्लाह तकरीर भी मालूमाती होगी। मुअज़्ज़िज़ सामीन, एक सच्चे मुसलमान का ये पक्का अकीदा है कि अम्बिया और रसूल के बाद इस कायनात में सबसे आला अकबर शख्सियत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो निहायत मुस्तहकम ईमान के हामिल और बुलंद अखलाक के मालिक थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही वो खुशनसीब शख्स है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के दोस्त और साथी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाने की सआदत हासिल की, फिर तब से लेकर जिंदगी की आखिरी सांस तक हर मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और इताअत करते रहे और इस्लामी अहकाम के सामने सर झुकाते रहे। बरादराने इस्लाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत व मोहब्बत का ये आलम था कि इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए तन मन धन सब कुछ पेश कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ये एजाज बख्शा कि हिजरत के मौके पर इन्हीं को अपनी रफाकत के लिए मुंतखब फरमाया। बीमारी के वक्त अल्लाह के रसूल ने हुक्मन इन्हीं को अपने मुसल्ला पर मुसलमानों की इमामत के लिए कायम किया और इरशाद फरमाया अल्लाह और मोमिन अबू बकर सिद्दीक के अलावा किसी और की इमामत पर राजी नहीं है। अलगर्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में इनको अपने से जुदा न किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद सब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निगाहे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत पर लगी हुई थी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई तो उम्मत ने बिला ताखीर अबू बकर सिद्दीक को मुस्नद खिलाफत पर बिठा दिया। मोहतरम सामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से तशरीफ ले जाते ही फितनों ने सर उठा लिया। मुसलमाए कज़्ज़ाब का फितना, मुनकिरीन ज़कात का फितना और इसके अलावा मुर्तदीन का फितना हो गया। ऐसे हालात में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला मर्द कलंक और हिम्मत की चोटी इरशाद फरमाया लश्कर उसामा से कहो कि अभी ने रवाना किया जैसे शुजा साहब ने इतराज कर दिया कि आप ऐसे वक्त में इस लश्कर को रवाना फरमा रहे हैं जबकि मदीना को खतरा लायक है तो इसकी जवाब कौन। इस पर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया
लश्कर उसामा हर हाल में रवाना होगा, इसलिए कि मैं इंडे को नहीं बोल सकता जिसे खुद अल्लाह और पास कबाइल ने जब जकात देने से इनकार कर दिया तो अब बकर सिद्दीक अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया कि अपनी तलवारें बेनियाम कर दो। अब बकर के होते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को तीन नहीं किया जा सकता। जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उनकी एक रस्सी भी जकात में देता था, अब इसका इनकार करेगा तो इसके लिए भी लश्कर। मोहतरम सामीन, इस मौजू पर तकरीर खास नौजवान नस्ल के लिए की गई। मेरी दिली तमन्ना के इनके दिलों में अगर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिब्बत बेवस्त हो जाए, इन्हें मालूम हो जाए कि वो किस कदर अजीम और कितने बुलंद अखलाक व किरदार के मालिक थे। इन्होंने इस्लाम सरबुलंदी और बचाव के लिए किस कदर कुर्बानियां जद्दोजहद दी। ब्रादरान इस्लाम, इस आलम इस्लाम में करोड़ों तादाद में ऐसे मुसलमान हैं जो इनकी तरफ निस्बत करना अपने लिए बाइस एजाज समझते हैं और सिद्दीक कहते हैं। कितने बदनसीब हैं वो लोग, कितने बदनसीब हैं वो लोग जो इनके फजाइल और मनाकिब का इनकार करके अपनी आकियत खराब कर रहे हैं। आपने चिराग है बुलबुल को फूल बस, परवाने को चिराग है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। वमा अलैहि वल बलाग।